यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था आपको कि P और Q ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हमने लिए हैं। P को हमने कहा कि लाला जी रिच हैं और Q को हमने कहा कि उनके पास कार है, और इसी के बेसिस पे हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज मिले थे। क्या क्या थे? P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज Q एंड नॉट Q, नॉट Q। देखो यहाँ ध्यान दोगे, ये यहाँ पे रिवर्स हो गया, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट की है, क्लियर है? तो ये चीज लिखा हुआ था, तो हमको ये इसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है और इसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है। तो इसके ट्रूथ टेबल के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि पी और क्यू का वैल्यू से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इस वाले के लिए सबसे पहले हमको नॉट क्यू निकालना होगा और नॉट पी निकालना होगा। तो हम यहाँ पर दो सेशन में, दो तीन डिफरेंट पार्ट में काम करते हैं। सबसे पहले पी और क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इधर को भूल जाओ। तो पी और क्यू को फाइंड आउट करने का तरीका बताए थे कि फर्स्ट वेरिएबल, राइट से फर्स्ट वेरिएबल को हम TF TF ऐसे करके लिखते हैं, और यहाँ पे टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? दो हैं, तो दो के हो जाएंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हो जाएंगे? फोर हो जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला सेट बना TF, दूसरा बनेगा TF, इस तरीके से यूज कर। यदि तुम फॉलो करना चाहते हो कि हम फॉल्स को पहले रखें, तो फॉल्स ट्रू ऐसे भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस ऑर्डर को फॉलो करें। यदि आप ये वाली ऑर्डर को फॉलो करते हो तो हर एक वेरिएबल पर यही लगेगा, और इस वाले को फॉलो करते हो तो हर एक वेरिएबल पर इसी का रूल लगाओ, ये सिर्फ माइंड में रखना। तो फर्स्ट वेरिएबल को अल्टरनेट हम चेंज करते हैं, यानी एक एक पर चेंज कर दिया, और सेकेंड वेरिएबल में बताए थे दो दो पर चेंज करते हैं, तो टू टाइम्स ट्रू टू टाइम्स फॉल्स। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास फोर थे, वो फोर पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहाँ मिल गया, ये मेरा पी और क्यू का वैल्यू फाइंड आउट हो। अब रह गई बात नेगेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि नेगेशन का प्रायोरिटी सबसे हाई होता है। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर पी का नेगेशन निकालेंगे। पी टू टाइम्स ट्रू टू टाइम्स फॉल्स, टू टाइम्स फॉल्स टू टाइम्स ट्रू, पी का नेगेशन निकल गया। अब इसी तरह से क्यू का नेगेशन निकाल लो, क्यू के नेगेशन में टी फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। नेगेशन निकालना तो बहुत ही आसान काम है। तो पहला सेशन में हमने, पहले सेक्शन में हमने पी और क्यू के सारे पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट किया, जो फॉर्मूला बताए थे उसके अकॉर्डिंग। दूसरे सेक्शन में हमने क्या किया, बोथ का नेगेशन ले लिया। बोथ का नेगेशन इसलिए लिया कि हमको नेगेशन का रिक्वायरमेंट है, यदि कोई रिक्वायरमेंट ना हो तो वो काम हम नहीं करते हैं। और ये काम करने के बाद अब हमारे पास रह गया थर्ड सेक्शन में पी इम्प्लाइज क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना। और अब आप जानते हो कि पी इम्प्लाइज क्यू, इस केस में पी हमारा हाइपोथेसिस है या प्रेमिस है, और ये मेरा क्या है, कंक्लूजन है। हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो तो इसका रिजल्ट फॉल्स होता है, यही यहाँ पर एक डिफरेंट रिजल्ट देता है। तो हम इसी चीज को पहले फाइंड आउट करेंगे। पी इम्प्लाइज क्यू में पी हाइपोथेसिस है, पी हाइपोथेसिस, और क्यू हमारा कंक्लूजन है। ये चेक कर लो हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स कहाँ पर है। ये वाली रो, ये देखो ये वाली रो सिर्फ एक है, तो इस वाले रो में हमने क्या किया, फॉल्स डाल दिया, और बाकी जो तीन रो बच गए बिना सोचे समझे टी भर, ये बाकी को हमने टी से फिल कर दिया, और कहीं ऐसा केस था ही नहीं, टी और एफ का कहीं और केस नहीं था, तो इसको हमने फॉल्स से भर, और बाकी सबको हमने क्या रखा है, ट्रू पे रख दिया है। ठीक है, एक पी इम्प्लाइज क्यू के सारे पॉसिबिलिटीज का रिजल्ट मिल गया। अब नेक्स्ट काम हमारा रह गया नॉट क्यू और नॉट पी का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो नॉट क्यू और नॉट पी में आपको मालूम है कि नॉट क्यू हमारा हाइपोथेसिस है और इम्प्लाइज नॉट पी हमारा कंक्लूजन। तो आप हाइपोथेसिस और कंक्लूजन देखिए, ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया और ये मेरा कंक्लूजन हो गया। तो हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स, टी और एफ, ये वाली जगह पे आप देख रहे हो कि हाइपोथेसिस ट्रू है, इधर से चलेगा क्योंकि ये मेरा हाइपोथेसिस पार्ट है और ये मेरा कंक्लूजन पार्ट है, ट्रू और ये फॉल्स है। तो इस पोजीशन में,
इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। और कहीं पर ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें हाइपोथेसिस ट्रू हो, यहाँ ट्रू है लेकिन कंक्लूजन ट्रू है, तो ये वाली सिचुएशन कहीं नहीं है। तो बाकी सब के लिए हम टी 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 भर दें। तो इस तरीके से इसके भी वैल्यूज मिल गए। अब आप जरा सा कंपेयर करके देखो, दोनों को कंपेयर करोगे तो देखोगे कि इसका ट्रूथ टेबल और इसका ट्रूथ वैल्यू, सॉरी ट्रूथ वैल्यूज, बोथ का ट्रूथ वैल्यूज सेम मिल रहा है, टी टी एफ एफ टी 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 टी। इसका मीनिंग हुआ कि पी इंप्लाइज क्यू इज इक्व लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। तो ये मेरा कंसेप्ट यहाँ पे बन करके आ रहा है, और यही चीज आपका यहाँ पर दिया हुआ है। कंसिडर द लास्ट टू कॉलम्स ऑफ एबव टेबल, वी विल फाइंड दैट पी इंप्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू। एक चीज यहाँ ध्यान रखोगे, कभी कभी एग्जामिनेशन में नॉट की जगह पर इस तरह का सिंबल यूज करता है, ये भी नॉट का ही सिंबल है। क्वेश्चन में ऐसा सिंबल दे दिया, इसका मतलब होता है नेगेशन, तो कहीं कहीं पर ऐसा भी सिंबल लगेगा, इसको देख करके घबराओगे नहीं। तो P implies Q and not Q implies not P, ये हमारे दो हैं, ये P implies Q and not Q implies not P, have the same truth values। आप देख लिया दोनों के truth value क्या हैं? Same हैं। Have the same truth values for every choice of truth values of P and Q, when this happens we call them equivalent। ऐसा यदि कहीं पर मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट। फाइनली हमें क्या मिला, देन देयरफॉर पी इंप्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी आर कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंट एंड इज डिनोटेड बाय एज बिलो। और इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, पी इंप्लाइज क्यू थ्री टाइम्स और थ्री लाइंस, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। तो इक्विवेलेंट का सिंबल हमारा पर यहाँ ये दिया, कहीं दिक्कत नहीं होगी। Then example 2, for any two propositions P and Q, so that not P join Q or not P or Q is equivalent to not P and not Q। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो different variables हैं P and Q, obviously 4 possibilities होंगे, वो 4 possibilities को हम यहाँ पे find out करेंगे। वो कैसे है, P और Q ये मेरे दो प्रोपोजिशंस हो गए, और इन दोनों का आप क्या निकालोगे, पहले पॉसिबिलिटीज निकालोगे। तो पॉसिबिलिटीज निकालने का तरीका बताया था कि फर्स्ट वाले वेरिएबल को हम अल्टरनेट में रख देंगे TF TF, और सेकेंड वाले वेरिएबल को टू टाइम्स ट्रू टू टाइम्स फॉल्स पे रख देंगे। तो हमको ये वैल्यू मिल गया। अब इसमें नेगेशन निकालना है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंटिटी, स्मॉलेस्ट हमारा क्या है, नॉट पी और नॉट क्यू है, हम नॉट पी और नॉट क्यू निकालते हैं। पी का रिवर्स कर दो, टी का फॉल्स, फॉल्स का टी, फॉल्स का टी, और क्यू का रिवर्स कर दो, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो हमको नेगेशन भी इसका मिल गया। अब निकालना है पी और क्यू, पी और क्यू पहले निकाल लिया हमने, पी और क्यू, यहाँ पे पी और क्यू कौन कौन सा है, पी हमारा ये है और क्यू ये दिया हुआ है। इन दोनों में और का रूल क्या था, और का रूल है पी और क्यू, इसमें सबसे ऑड है एफ एफ, यदि दोनों फॉल्स हो तो इसका रिजल्ट फॉल्स होता है, और बाकी सारे केसेस में ये ट्रू होगा। इस रूल को फॉलो कर, पी और क्यू में दोनों फॉल्स कहाँ पे है, देखो यहाँ पर है। ये टेक्निक बता रहे हैं तुमको एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए, दोनों फॉल्स है तो आप आंख मूंद करके फॉल्स डाल दो, ऐसा कोई और सिचुएशन है नहीं है, नहीं है तो अब सारे रोज में टीटी भर दो, ये इधर बार बार देखो मत, बार बार देखोगे रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ जहां पे ध्यान देना है उस चीज पर केवल गौर करो। इसका रूल होता है कि जब दोनों फॉल्स होते हैं तो रिजल्ट फॉल्स होगा, सिर्फ वही वाली रो को फाइंड आउट करो, और वो हमने फाइंड आउट कर लिया, सिर्फ ये है, इस वाले रो को फॉल्स से भर दो और बाकी सारे को ट्री से भर दो, इधर चेक भी मत करो, काफी टाइम बचेगा। यहाँ पर तो हमने सिर्फ चार पॉसिबिलिटीज लिया है,
आपके एग्जामिनेशन में 32 होंगे, 32 होंगे, 16 होंगे, 64 होंगे, इतने सारे में यदि हर एक को हम देखते रहे तो इस 5 और 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 और 5 का ही मार्क्स का आता है। ये ज्यादा बड़ा हुआ तो 5 का होगा और सिंपल रहा तो 3 का होगा। तो 3 और 5 मार्क्स में आप 1 घंटे का टाइम इसमें लॉस्ट कर दोगे तो बाकी क्वेश्चन कैसे बनाओगे। तो ये सब कुछ ट्रिक तुमको बता रहे हैं कि यदि ये फॉल्स फॉल्स है तो सीधे फॉल्स करो और बाकी में सारे में ट्रू डाल, और कुछ नहीं करना है, सोचो भी मत कि कहीं पे एरर होगा। इस जगह पे क्या कह रहा है, इसका नेगेशन, इसका नेगेशन है, यहाँ पे गौर करोगे पी और क्यू, तो जब तक पी और क्यू नहीं निकालेंगे उसका नेगेशन नहीं फाइंड आउट करते। तो पी और क्यू निकाल लिया और इस उसको हमने रिवर्स कर दिया, ट्री का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, तो हमारा ये भी वैल्यू निकल गया। अब रह गई बात नॉट पी और नॉट क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो नॉट पी और नॉट क्यू आप यहाँ पे ध्यान रखो, ये दिया हुआ है नॉट पी एंड नॉट क्यू, और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो आपको रूल क्या बताया था एंड के केस में, यदि पी एंड क्यू से अटैच्ड है दोनों यदि ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा और बाकी सारे केसेस में फॉल्स होंगे। तो ये इसका ट्रिक है। तो P एंड Q में ये फाइंड आउट करो कि दोनों ट्रू कहाँ पे है, ये दोनों जगह पे ट्रू है, इस जगह पे ट्रू लिख दो और बाकी जगहों पे फॉल्स भर। कुछ सोचना नहीं है कि वहां हम फॉल्स भर रहे हैं वो सही होगा या गलत। यदि यहाँ पे सिलेक्शन तुम्हारा सही है तो इधर रिजल्ट बिल्कुल ही सही होना है। इसका ट्रिक यही है कि दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो दोनों कॉलम में बोथ कॉलम ट्रू कहाँ पे है, सिर्फ एक जगह पे है, हम उस जगह को आइडेंटिफाई किया और उसको ट्रू से फिल कर दिया और बाकी सब जगहों पे फॉल्स भर दिया। यहाँ पे 3 है तो मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ 32 और 64 होंगे वहां प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको, इसलिए बेहतर होगा कि जो टेक्निक बता रहे हैं उस टेक्निक को फॉलो करो, काफी समय बचेगा और अच्छे मार्क्स से तुम इसको क्लियर कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का टाइम इसी को बनाने में निकल जाता है, तो इसी वजह से हम इसको ट्रिक भी बताते जा रहे हैं। अब हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट देखना था, तो लेफ्ट फॉर्मूला हमारा ये है और राइट फॉर्मूला हमारा ये है। लेफ्ट फॉर्मूला दिया हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड LHS और दूसरा दिया हुआ है मेरा RHS, इस जगह पे मेरा RHS दिया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ट्रूथ वैल्यूज देखो, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, बोथ आर सेम, सो दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। लॉज अबाउट इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस, यहाँ पे डिमार्गन्स लॉ होते हैं और डिमार्गन्स लॉ के बाद अदर जो लॉज दिए हुए हैं वो यहाँ लॉज दिए हुए हैं। डबल नेगेशन लॉ, डबल नेगेशन कहता है यदि नॉट नॉट हो तो उसका रिजल्ट पी हो जाता है, यानी इसका ट्रूथ वैल्यूज और इस बोथ का ट्रूथ वैल्यूज आपके सेम मिलेंगे, इसका ट्रूथ वैल्यूज और इसका ट्रूथ वैल्यूज सेम मिलेंगे। दूसरा हमारा है आइडेम्पोटेंट लॉस, ये कहता है पी एंड पी का रिजल्ट पी ही होगा और पी और क्यू, पी और पी का रिजल्ट भी आपका पी होगा, तो इसके ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करो, इसका फाइंड आउट करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। इसमें कॉम्पिटिटिव लॉ हम लोग फॉलो करते हैं और पर पी और क्यू या क्यू और पी दोनों का रिजल्ट सेम मिलेगा। इसी तरह से एंड में पी एंड क्यू, क्यू एंड पी, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। आप इन दोनों का ट्रूथ टेबल निकाल लीजिएगा जैसे पहले बताया है, तो दोनों का देखिएगा ट्रूथ वैल्यू सेम मिल रहा है। एसोसिएटिविटी रूल, पी और क्यू और आर, यानी पैरेंथेसिस को आप यहाँ पे रखो या लास्ट में दो में रखो, दोनों से सेम ही रिजल्ट मिलेगा, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम ही होगा। देन है पी एंड क्यू एंड आर, इसमें भी एसोसिएटिविटी रूल फॉलो होता है, पैरेंथेसिस को आप शिफ्ट कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल, इसमें एक्चुअली यहाँ पे पी होगा, पी और क्यू एंड आर, तो पी और क्यू, देखो यहाँ पे पी और क्यू लिखा एंड, ये एंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, पी और आर ये यहाँ पे लग गया। इसी तरह से इसमें हमने क्या किया, और को एंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ पर एंड को और पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू और बीच में और, फिर पी एंड आर,
ये हमारा, तो ये रूल पहले से भी आप जानते होंगे, अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा में पढ़े होंगे, इसी तरह के रूल्स रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यदि आ गया कि आपको कह दिया गया कि आप पी ज्वाइन क्यू, पी और क्यू इक्विवेलेंट टू क्यू और पी, तो इसका ट्रुथ टेबल निकाल के दिखा देना। जैसे इसके पहले बताए थे पी और क्यू का दो वेरिएबल लोगे और इन दोनों वेरिएबल के फोर पॉसिबिलिटीज होंगे, उसको लिख लोगे और एक साइड में पी और क्यू निकाल देना और दूसरे वाले नेक्स्ट वाले कॉलम में क्यू और पी का वैल्यू निकाल, तो तुम देखोगे कि हर एक का जो रिजल्ट है ट्रुथ वैल्यूज वो सेम मिल रहा है। और यदि सेम मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो इसका कोई भी फॉर्मूला आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, लेकिन इसके कोई भी फॉर्मूला को प्रूफ करने में आपको मैक्सिमम 2 या 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन ये क्वेश्चन रहे, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला रहने पर आपका मार्क्स बढ़ जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस, प्रीवियस क्लास में भी यही चीज आपको दिखाया था, और इसको नहीं हो, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस के बारे में आते हैं, आपको प्रूफ करने के लिए आएगा कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, इसको प्रूफ करके दिखाओ। इसका कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। मैक्सिमम टाइम में इसमें पूछा है 1.1 के बारे में, 1.2 के बारे में, और ये भी एक क्वेश्चन पूछ दिया है 1.6a, ई ज्वाइन फॉल्स हो तो ई होता है, इसको इक्विवेलेंट है, प्रूफ करो। ऊपर वाले का तो तरीका बताए हुए हैं, इसका भी तरीका तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आई डोंट नो, लेकिन आता है ये क्वेश्चन। और ये वाली क्वेश्चन, इसका ए बी दोनों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके इक्विवेलेंस फाइंड आउट करने के लिए ट्रुथ टेबल के थ्रू आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपका इक्विवेलेंस फॉर्मूला का जो ऊपर टेबल दिए थे वही टेबल है, और इसी टेबल में से कुछ का हम एग्जांपल लेंगे। तो ये हम पहले से बना रखे हैं और ये एक टेबल बना दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसमें हम एक जो अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं वो वाली लेते हैं कि ई और फॉल्स यदि दिया हुआ हो तब क्या काम करेंगे। तो मान लो कि हम यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं, ये मेरा फॉल्स है, और दूसरा वैल्यू क्या कह रहा है, ई है। तो एक वेरिएबल है ई हमारे पास लेफ्ट साइड में, यही है ई फॉल्स। तो ई चूंकि सिंगल वेरिएबल्स है इसलिए इसके सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होगी, ट्रू और फॉल्स, और इस साइड में फॉल्स का कॉलम है तो ये ऑलवेज फॉल्स ही होगा। टी इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है ई और फॉल्स, ई और फॉल्स। तो ई और फॉल्स का रिजल्ट आपके आपको मालूम है कि ये फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स हो। तो दोनों फॉल्स कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ इस रो में है, हमने फॉल्स कर दिया, तो बाकी जगह पे ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड क्या कह रहा है कि राइट हैंड साइड में ई की वैल्यू होगी, तो ई की वैल्यू जो है वो डाल दो, ई की वैल्यू टी और इधर फॉल्स। तो जरा सा दोनों का रिजल्ट चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सही है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गया। इसी तरह से ई और ट्रू का भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ई एंड ट्रू का भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये टेबल ब्लैंक रखा हमने ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें फिट कर सके। तो एक और हम फॉर्म लेते हैं, मान लो कि इसमें कौन सा ले, 1.2 का, हम सर ये वाली कैसे लिख दिया, पी इम्प्लाइज क्यू में, आप पी इम्प्लाइज क्यू में ये ट्रू और ये फॉल्स है तो आप इसको फॉल्स कैसे कर देते। स्टार्टिंग में ही एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, इसका आंसर यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। तो इसका आंसर के लिए हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, कौन कौन सा है, ई और जी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो दो डिफरेंट वेरिएबल ले लो ई एंड जी। ई और जी इसके पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगे, इसको हम ट्रू फॉल्स, दो वेरिएबल्स हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज 4, तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और दूसरे वाले वेरिएबल में डबल टी डबल एफ ये हमने डाल दिया, तो हमारी सारी पॉसिबिलिटीज निकल गए। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है ई इम्प्लाइज जी, ई इम्प्लाइज जी लेफ्ट हैंड साइड होगा, ई इम्प्लाइज जी, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या दिया हुआ है,
नॉट नॉट ई और जी है, तो हमें यहां पर इसको फाइंड आउट करने के लिए ई और जी की वैल्यू तो मिल गई, जी का भी वैल्यू मिल गया, एक रह गया नॉट ई, तो हम यहाँ पर नॉट ई का वैल्यू फाइंड आउट, नॉट ई, ई का रिवर्स कर दो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब आप यहाँ देख रहे हो हमको सारे फैसिलिटीज सारे वैल्यूज मिल चुके हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड में ई हाइपोथेसिस है, मार्क कर दो हाइपोथेसिस, और जी मेरा कंक्लूजन है, जी को भी मार्क कर दो, ये मेरा कंक्लूजन है। और इसमें हम क्या खोजते हैं, यदि हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स हो तो सिर्फ एक रो मिल रहा है, ये वाली रो, और कहीं पर ऐसा कोई केस है नहीं है, तो इस वाले रो में आप फॉल्स भर दो, और बाकी जो तीन रो बच गए उसमें बिना सोचे समझे टी भर दो, गलत होने का चांस ही नहीं है, टी भर दिया हमने। अब रह गई बात नॉट ई ज्वाइन जी का, तो आप नॉट ई ज्वाइन जी में हमको निकालना क्या है, नॉट ई और जी, और है तो और का केस कहता है कि दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा, तो यहाँ पर देखो दोनों फॉल्स कब है, इस केस में है, इस केस में और कोई ऐसा केस है नहीं है, तो इस वाले रो में यहाँ पे फॉल्स रख, और बाकी कहीं पर बाकी जगह पे ट्रू डाल दो, आप देखोगे दोनों का वैल्यू सेम मिल रहा है, इट मीन्स बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इच अदर, इसका मतलब हो गया ई इम्प्लाइज जी को हम नॉट ई और जी लिख सकते, यही फॉर्मूला हम बाद में यूज करेंगे, आप आगे जाइएगा जब CNF, DNF और PNF एंड स्कोलेमाइजेशन, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, कंजुकेटिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, प्रिनेक्स नॉर्मल फॉर्म एंड स्कोलेमाइजेशन, स्कोलेम वेरिएबल, स्कोलेम कांस्टेंट, ये सब जब आप बनाने लगोगे तो वहां पे इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे जिसको कि हमें चेंज करना होता है, तो इसका इक्विवेलेंट ये है, तो जहां भी ये लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं नॉट पी और क्यू, जहां भी लिखा हुआ हो, इसीलिए ये इक्विवेलेंस फॉर्मूला हम आपको दिए कि इस तरह का कहीं भी इक्वेशन आ रहा है और कहीं आपको CNF DNF बनाना है तो इसके बदले में आप ये लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला निकालो ट्रूथ टेबल से तो आपका ये वैल्यू आ रहा है, और इस वैल्यू का रिजल्ट इस वैल्यू से मिलता है, इसलिए इक्विवेलेंट भी है। तो जिनका क्वेश्चन था कि सर पी इम्प्लाइज क्यू में हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स है तो आप फॉल्स क्यों लिख देते हैं, उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को तो आप कंफर्म हो, इस फॉर्मूले से तो आप कंफर्म हो, और इसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि वही चीज आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये यूनिवर्सली ट्रूथ मान लिया कि जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है, तो उस केस में फॉल्स रखते हैं और बाकी सारे केसेस में ट्रू रखते हैं, आई थिंक कि इसका मीनिंग निकल गया होगा। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूला के बारे में आपको बताया, एक कौन सा फॉर्मूला लिया 1.16a और दूसरा लिया 1.2, ये दो को हमने यहाँ पे प्रूफ किया, इसी तरह से आप अदर को भी प्रूफ करना कर सकते हैं, और क्वेश्चंस आपके इसमें से किसी भी फॉर्मूला पर हो सकता है, किसी भी इक्विवेलेंस पे हो सकता है, तो आप इसको मैनुअली और पर्सनली होमवर्क में पूरा करें। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे टॉटोलॉजी, ए कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द सिंपल प्रोपोजिशंस इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड ए टॉटोलॉजी, यदि सारे पॉसिबिलिटीज का जो रिजल्ट है वो ट्रू मिल जाए तो उसको हम टॉटोलॉजी। इसी का रिवर्स होता है कंट्राडिक्शन, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द सिंपल प्रोपोजिशंस इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड अ कंट्राडिक्शन, आपके सारे पॉसिबिलिटीज का रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स मिलेंगे तो उस केस में इसको हम कंट्राडिक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी के केस में कुछ पॉसिबिलिटीज का वैल्यूज आपका फॉल्स होगा और कुछ का ट्रू मिलेगा, कुछ का फॉल्स और कुछ का ट्रू, यानी ये दोनों का मिक्सचर है,
इसमें ट्रू रिजल्ट भी होगा और फॉल्स भी होगा। सारे के सारे रिजल्ट ट्रू हो गए टॉटोलॉजी, सारे के सारे रिजल्ट फॉल्स हो गए कंट्राडिक्शन, फॉल्स और ट्रू का मिक्सचर हो गया तो कंटिंजेंसी। ये तीन तीन हमारे पास होते हैं डिफरेंट रिजल्ट। इसी पर हम आगे देखते हैं, वेरीफाई दैट पी एंड क्यू एंड नॉट पी इज ए कंट्राडिक्शन एंड पी इंप्लाइज क्यू डबल इंप्लाइज नॉट पी ज्वाइन क्यू इज ए टॉटोलॉजी। इसको आपको प्रूफ करना है और इस पर भी क्वेश्चंस रहते हैं 3 और 4 मार्क्स के, तो 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। इसका ट्रुथ टेबल पहले से हम लोग बना लिए हैं, अब ज्यादा हम लोग पॉसिबिलिटीज पे नहीं ध्यान देंगे। ये टेबल यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, उसको हमने लिख लिया। P का नेगेशन ले लिया, P एंड Q निकाल लिए। P एंड Q निकालने के बाद आप यहाँ पे देखोगे P एंड Q एंड नॉट P, क्योंकि ये मेरा एक पोर्शन है, ये पोर्शन हमें डिफाइन करने हैं, तो ये वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके निकालने के लिए हमको चाहिए P एंड Q, वो हमने निकाल लिया, और नॉट P, तो नॉट P भी निकाल लिया। इस दोनों के हेल्प से आप ये वैल्यू फाइंड आउट, और ये फाइंड आउट होने के बाद अब आपके पास बचता है ये P implies Q। तो आपको बताया था हमने कि लेफ्ट और implies एंड डबल implies का प्रायोरिटी सेम होता है और दोनों को हम लेफ्ट टू राइट फॉलो करते हैं। तो पहले P implies Q का वैल्यू निकाल लो, P implies Q का वैल्यू निकाल लिया, और इधर से आपका नॉट P और नॉट Q चाहिए। नॉट P पहले से निकला हुआ है, Q भी है, इसका वैल्यू यहाँ पे हमने लिख लिया नॉट P ज्वाइन Q, और ये वैल्यू जब निकल गए तो अब इन दोनों का टॉटोलॉजी लेना है। तो P implies Q निकला हुआ है यहाँ पे, और इधर नॉट P और Q है, ये दोनों हमारे पास है। इस दोनों केस में कहता है कि जब दोनों सेम होगा तो रिजल्ट सेम होगा, दोनों सेम होगा तो रिजल्ट ट्रू होता है, और दोनों डिफरेंट हो, दोनों सेम हो तो रिजल्ट ट्रू ही होगा, दोनों सेम ही है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू मिल गया, इसलिए ये टॉटोलॉजी हो गया। और इसके बारे में कहा कि इसका पूरे का रिजल्ट फॉल्स होगा, तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा फॉल्स हो गया, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया और ये टॉटोलॉजी हो गया। लेकिन P implies Q, इसमें देखिए कुछ रिजल्ट ट्रू है कुछ फॉल्स है, तो ये आपका कंटिंजेंसी हो। किस आपके टेबल में कहीं पर भी ट्रू फॉल्स मिलता हो उस कॉलम में, तो आपका वो कंटिंजेंसी का फॉर्म है, ये भी कंटिंजेंसी का फॉर्म है, यहाँ भी कंटिंजेंसी का फॉर्म है। तो कंटिंजेंसी जनरली होते हैं, टॉटोलॉजी और कंट्राडिक्शन निकालना थोड़ा उसके लिए फॉर्मूला उस तरह का होना चाहिए जो सारे के सारे फॉल्स रिजल्ट दे या सारे के सारे ट्रू रिजल्ट। तो ये मेरा टॉटोलॉजी है, ये मेरा कंट्राडिक्शन है, ये सब हमारे कंटिंजेंसी।